हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी तीन बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होम डेकोर डीआईवाई आइडियाज़। ये तीनों डीआईवाई मैंने बनाए हैं अपनी बालकनी को और कलरफुल और वाइब्रेंट बनाने के लिए। तीनों बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग डीआईवाई हैं ये। इन तीनों डीआईवाई को बनाने के लिए मैंने कॉमन चीज़ का यूज़ किया है और वो एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के घरों में बहुत ही इजीली अवेलेबल रहती हैं और वो है कार्डबोर्ड। तो आज इन तीनों डीआईवाई में हम यूज़ करेंगे कार्डबोर्ड का और उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल मेकओवर देके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से बालकनी डेकोर क्रिएट करेंगे। तो मुझे इन डीआईवाई को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही कम खर्च में, या फिर आप यूँ कहें कि ज़ीरो कॉस्ट में आप ये सभी डीआईवाई घर पे रिक्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला डीआईवाई है ये कलरफुल वाइब्रेंट सी टुकन बर्ड्स, जिसे मैंने देखा था पिंटरेस्ट पर और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होती हैं और बालकनी डेकोरेशन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात, हम इसे इजीली कार्डबोर्ड पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड के कटआउट्स निकाले थे, उन्हें आपस में पेस्ट करके इनकी एजेस पर मैंने मास्किंग टेप को स्टिक कर लिया है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटआउट निकाला है और एक छोटा कटआउट निकालते हुए उन्हें पेस्ट करके उनके एजेस पर ये मास्किंग टेप को लगा लिया है। अभी आप चाहें तो इन पर एज इट इज पेंटिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पेस्ट अप्लाई मत कीजिए। लेकिन अगर हम इसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से हार्ड हो जाएगा। बालकनी में इसे जब हम हैंग करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, बहुत ही इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। तो ये पेस्ट मैंने बनाया है वॉल पुट्टी प्लस वाटर को मिक्स करके। तो इस पेस्ट को मैंने इवनली इसके ऊपर स्प्रेड करके ड्राई होने के लिए रख दिया है। तो देखिए, हमारे ये जो कटआउट्स हैं बर्ड के, कितने अच्छे तरीके से हार्ड हो चुके हैं, इनमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आ गई है। अब हम इसके ऊपर कर लेंगे कुछ मार्किंग जहाँ पर हमें कलर्स करने हैं। तो बहुत ही सिंपल सी हमें कुछ इस तरीके से मार्किंग की है, ब्लॉक्स बना लिए हैं जिसमें हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर आप कोई भी वाइब्रेंट कलर लीजिए, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स जो होते हैं, ऑरेंज, मतलब अगर आपके पास न्यून कलर्स है तो आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। टुकन बर्ड्स का आप जितनी ज़्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट बनाएंगे, ये आपके बालकनी डेकोर में उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ इस तरीके से हमने जो ये पैटर्न्स बनाए थे पेंसिल से, उसके अकॉर्डिंग इनमें कलर्स को फिल करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, है ना एक ये फन डीआईवाई। इसमें आई एम श्योर कि अगर आप अपने बच्चों को इंक्लूड करेंगी तो उन्हें ये पेंटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही सिंपल ये पेंटिंग है, बस कलर ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हमें ये पेंटिंग करते जाना है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक फ़न एक्टिविटी हो जाएगी ये बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी पेंसिल से मैंने पैटर्न बनाए थे उसे फिल करने के बाद अब यहाँ पर मैं लूँगी ब्लैक एक्रेलिक पेंट। तो जितनी भी अब वाइट गैप छूट गई हैं उसके ऊपर हम ब्लैक एक्रेलिक पेंट कर लेंगे, जिससे कि जो ये कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे, बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा है। ब्लैक कलर करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब हमने जितने भी ये पैटर्न बनाए हैं कलर्स के साथ, उनकी हम ब्लैक एक्रेलिक पेंट से आउटलाइनिंग कर लेंगे, जिससे कि ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग में दिखेगी, सबका एक डिफाइन लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आइज़ भी मैंने बना ली हैं और ब्लैक एक्रेलिक पेंट से इन सभी की आउटलाइनिंग भी कर ली है। तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने जो छोटी बर्ड का कटआउट निकाला था उसे भी मैंने वाइब्रेंट कलर को लेते हुए पेंट कर लिया है और बीच में जो जगह छूटेगी उसे भी मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर लूंगी। तो दोनों बर्ड्स को मैंने सिमिलर पेंट किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। पेंटिंग करने के बाद जब ये सभी कलर्स अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो आप इसके ऊपर वार्निश का एक कोट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि बालकनी में जब आप इसे हैंग करेंगी तो आप इसे वेट क्लॉथ की हेल्प से अच्छी तरीके से क्लीन भी कर सकती हैं। लास्ट में आप इसके नीचे चाहें तो ट्री के जो ब्रांच होती हैं, ड्राई ब्रांच, उसे इसके नीचे स्टिक कर सकती हैं। मेरे पास अभी ये ब्रांचेस अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इस तरीके की स्टिक के ऊपर इन्हें लगाते हुए अपनी बालकनी को डेकोरेट किया है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये DIY कैसा लगा। Thank you.
फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने अगले डीआईवाई की और वो है ये ब्यूटीफुल क्यूट सी ट्रक जिसे मैंने अपने बालकनी डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे किचन डेकोर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपना मेन्यू लिख सकते हैं, डेली के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोट लिख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने अपनी डॉटर की एक ओल्ड स्लेट ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो हम इसे लेंगे। अगर आपके पास भी कोई ओल्ड स्लेट है तो आप उसे ले लीजिए और इसी के साथ ही हम लेंगे कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं जिन्हें मैंने कुछ इस तरीके से शेप में कट कर लिया है जिससे कि हमारे ट्रक का स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक पीस को मैंने नीचे की ओर जो पीस रहेगा वो उसे थोड़ा बड़ा रखा है जिस पे हम हमारी स्लेट को स्टिक करेंगे और ऊपर वाले जो दोनों पीसेस हैं उन्हें हमें कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। अब इन तीनों पीसेस को हम आपस में पेस्ट कर लेंगे जिससे कि स्लेट की जितनी थिकनेस है उतनी थिकनेस आ जाएगी इस कार्डबोर्ड की और एजेस पर अगेन हमने मास्किंग टेप को स्टिक कर लिया है। अब इस बड़े वाले पीस के ऊपर हम स्लेट को स्टिक कर लेंगे ग्लू की हेल्प से जिससे कि हमारा ट्रक का जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगेन ले रही हूँ मास्किंग टेप को और मैंने स्लेट के जो अंदर वाली बाउंड्री से उसके ऊपर मास्किंग टेप को स्टिक कर लिया है क्योंकि हम फर्दर इसे पेंट करेंगे, इसके ऊपर पुट्टी लगाएंगे तो वो इसके ऊपर नहीं लगेगा और ये स्लेट अच्छी तरीके से सेफ रहेगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पुट्टी का ये डो जिसे हम हमारे कार्डबोर्ड के ऊपर लगाएंगे जिससे कि कार्डबोर्ड में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, काफ़ी अच्छी तरीके से हार्ड और स्टिफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें वॉल पुट्टी का डो बना लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर एयर ड्राई क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वॉल पुट्टी एक चीपर ऑप्शन है एयर ड्राई क्ले का। तो यहाँ पर देखिए वॉल पुट्टी के डो को मैंने कार्डबोर्ड पीस के ऊपर इवनली कुछ इस तरीके से स्टिक कर लिया है और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। और स्लेट की जो पिंक बाउंड्री थी उसे भी मैंने व्हाइट एक्रिलिक कलर से सबसे पहले पेंट कर लिया था और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे कर लेंगे पेंट। तो यहाँ पर पेंट करने के लिए मैंने नियोन येलो और टील ब्लू कलर का यूज़ किया है जो कि दोनों का कलर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लगता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन टोटली आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस ट्रक को हम करेंगे थोड़ा डेकोरेट। तो मेरे पास रखी हुई थी डेकोर ट्रांसफर शीट, उसके ऊपर से मैंने हॉर्न प्लीज जो ट्रक के ऊपर जनरली जो लोगो लिखे हुए रहते हैं उसे मैंने कट करके इसके ऊपर स्टिक कर लिया है और बाद में हम इसे थोड़े और कलर्स को लेते हुए डेकोरेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से सिंपल सी पेंटिंग कर ली है मैंने। अब बारी आती है ट्रक के व्हील्स की। तो मेरी डॉटर के जो क्ले के बॉक्स थे उनके लीड मैंने निकाल लिए हैं और उन्हें ब्लैक एक्रेलिक पेंट कर लिया है और ये एक परफेक्ट व्हील्स लग रहे हैं इस ट्रक के लिए। तो इन्हें भी मैंने कुछ इस तरीके से स्टिक कर लिया है ग्लू लगाते हुए। अब इस ट्रक को आप फर्दर डेकोरेट करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने मोल्डी ट्रेड्राइक क्ले से कुछ फ्लावर्स बना के रख लिए थे और उन्हें मैंने पेंट कर लिया था, तो उन्हीं के साथ मैंने इस ट्रक को थोड़ा सा और डेकोरेट कर लिया है जिससे कि इसमें थोड़े से और कलर्स ऐड हो गए हैं और ये और भी ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पर देखिए चौक से कुछ सिंपल सी पेंटिंग करते हुए इसके ऊपर लिव लव लाफ लिख दिया है और एक परफेक्ट डेकोर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसके नीचे सेल्फ एडहेसिव नेल्स को लगाते हुए इसके नीचे लाइट वेट प्लांटर को भी हैंग कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे किचन डेकोर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके नीचे स्पूंस वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ रेडी हो जाता है हमारा ये सेकेंड DIY। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा और लास्ट DIY है ये ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग जिसके ऊपर मैंने ये क्यूट और वाइब्रेंट सी पेंटिंग की है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली है एक ये डिस्पोजेबल प्लेट है। इस तरीके की प्लेट की DIY मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग DIY हम इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने पेंसिल से इसे ड्रॉ कर लिया है जो गर्ल हम बनाएंगे उसे और अब हम कर लेंगे इसे पेंट। तो यहाँ पर पेंट करने के लिए आप काफ़ी सारे वाइब्रेंट कलर्स ले लीजिए।
इस तरीके की पेंटिंग को अगर आप गर्ल हैं, आप टीनेज में हैं, तो अपनी जो स्टडी है उसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। आप अपने किड्स रूम को डेकोरेट करने के लिए इसे यूज़ कर सकती हैं। इस तरीके की प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा थिक और स्टिफ आती हैं, तो बहुत ही ईजिली आप अपने बच्चों को दे सकती हैं पेंट करने के लिए, और बहुत ही ईजिली आप बहुत खूबसूरत से वॉल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। इस ब्यूटीफुल से फ्लोरल क्राउन की जो ये इमेज है, ये मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की थी। वहाँ पर आपको कई सारे डिफरेंट और ब्यूटीफुल इस तरीके की इमेजेस मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपनी प्लेट या फिर कैनवास पर उसे ट्रेस करके उसे पेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ईजी वे हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स को ईजिली रिक्रिएट करने का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस गर्ल की जो ये फ्लोरल क्राउन है, इसे पेंट करने के बाद इसकी फ्रॉक को पेंट कर लिया है, और बाद में इसके जो इसका जो पीछे का पोर्शन रह गया है, जो व्हाइट दिख रहा है, उसे हम बहुत सारे मतलब वाइब्रेंट कलर से पेंट कर लेंगे, जिससे कि जो पेंटिंग हमने बनाई है ये बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल लगेगी। तो देखिए, येलो और ऑरेंज कलर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़े से और फ्लावर्स, थोड़ी बटरफ्लाइज, आप चाहें तो इसमें बर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को इसके ऊपर ड्रॉ करके पेंट कर सकती हैं और इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेंटिंग करने के बाद हमने जो ये कलर ब्लॉक्स बनाए हैं, उनके बीच में मैंने आउटलाइनिंग करते हुए स्टिचेस वाला जो पैटर्न रहता है उसे मैंने पेंट कर लिया है, और इसकी बाउंड्रीज को हम कंप्लीट करेंगे जूट थ्रेड के साथ। इसकी बाउंड्रीज में आप चाहें तो कोई डिफरेंट लेसेस, पर्ल्स वगैरह से भी इसे डेकोरेट कर सकती हैं, लेकिन जूट थ्रेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके साथ। तो यहाँ पर जूट थ्रेड की एक ब्रॉड सी मैंने यहाँ पर बाउंड्री बना ली है और इसे हैंग कर दिया है। ये वेट भी इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि आप कहीं पर भी सेल्फ एडहेसिव नेल्स के ऊपर भी इसे हैंग कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये DIY, ये कलरफुल वाइब्रेंट गर्ल की ये पेंटिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ये था आज का वीडियो। फ्रेंड्स, थे ना ये DIY बहुत ही ज़्यादा इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग। इन सभी DIY को बनाने में आप अपने बच्चों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी DIY बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा फन DIY हैं। तो इस समर वेकेशन में आप अपने बच्चों को भी इन DIY को बनाने में लगा सकती हैं, उनके लिए भी एक ये फन एक्टिविटी रहेगी। तो ये सभी DIY बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, आई होप कि आपको देखने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलोइंग बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी के साथ ही, अगर आप मेरी इन DIY से इंस्पायर होकर, आपको कोई भी DIY अच्छा लगता है और आप इसे घर पे फिर से रिक्रिएट करते हैं, तो आप उनके पिक्चर्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप उनके पिक्चर्स मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपने लाइफ अपडेट, अपने वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट को पोस्ट करती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पामेजा वर्षा, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी एक और इजी, इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, बताइएगा ज़रूर कि आपको इन तीनों DIY में से सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स और फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए फिर, मैं आपसे मिलूंगी अपने एक अलग और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।